Maybe this is our last evening in Hanover. अखंड भाई भी घूम रहे हैं देखो, बेवजह परेशान हम लोग. और अभी अभी खबर मिली है कि हमको जर्मनी छोड़ के जाना है और हमारा टिकट कल का होगा. पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा रियली, क्योंकि परसों के बाद पूरा इंडिया लॉकआउट हो रहा है, कोई फ्लाइट्स नहीं जाएंगी. हेलो फ्रेंड्स, मैं हैनोवर से निकल गया हूँ. अब मेरे को फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं. फ्रैंकफर्ट से मेरा फ्लाइट है आबू धाबी से, फिर बेंगलोर का. आबू धाबी में 6-5.5 घंटे का ओवरलैप है. तो अब पता नहीं, अब बेंगलोर पहुँच के मेरे को क्वारंटाइन करना पड़ेगा. बट मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं अपने आप को क्वारंटाइन करूँगा एटलीस्ट 10-15 डेज जो है, ताकि मैं अपने फैमिली में किसी को नहीं होना देना चाहता हूँ. अगर मेरे को बाई मिस्टेक मेरे में आता है तो अगर किसी को पता चले कि बेंगलोर में कहाँ क्वारंटाइन कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैसेज करो. हाय गाइस, नाउ आई एम इन प्लेन. सो द सिचुएशन एट एयरपोर्ट वाज नॉट दैट बैड. पीपल हैव टेकन लॉट ऑफ प्रिकॉशंस. एवरीबॉडी इज़ इन मास्क एंड एवरीबॉडी इज़ टेकिंग प्रिकॉशन. आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन. I will land Abu Dhabi and then from there I will take a flight for Bangalore. Just to show you what the things are in flight. Hi, I reached Abu Dhabi to change my flight to Bangalore, and the situation is normal as usual. People are roaming properly. Yeah, they are using masks, so nothing to be worried about it. I guess there is not much panic situation as it is being in thoughts, but yeah, precaution is the best option. We have to take it. So right now, see, people are wearing masks and going everywhere. So I guess there is nothing panic situation. Everything is normal. So let's wait for our flight. That is 5 hours from now. So देखते हैं क्या होता है अभी. कुछ नहीं है ज़्यादा. सब कुछ ठीक है. नॉर्मल है. मेरा नाम रोशन है. कहाँ से हो? नेपाल से. क्या बात कर रहे हो मुझे? अरे हम बहुत परेशान थे कि हमको लग रहा था कि कोरोना का जगह, मगर आदमी लोग तो पूरा आराम से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत तो नहीं, इधर उतना प्रॉब्लम नहीं है. पर बाहर कंट्री में जो सुन रहा है, बाहर बहुत प्रॉब्लम. हाँ, दूसरे कंट्री में ना. हाँ, दूसरा कंट्री. अभी इंडिया जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा? इंडिया में मेरे वैसे दिक्कत तो नहीं है, पर 14 दिन क्वारंटाइन में देखना पड़ेगा बोलता है. अब अच्छा ठीक है, चलो डोसा बनाओ मेरा. मुझे नहीं, मैं आपको बुलाया जाता ना. ठीक है. आई जस्ट लैंडेड बेंगलोर एयरपोर्ट. सो दे हैव आस्क्ड फॉर ए फॉर्म. ओके, should fill either one. I have already filled one. How many? Two is there. So they have given a form to fill. In that we have to enter our name, passport number, from which place we are coming, and what are the other places we have visited in last 28 days. So we have to go for immigration check and some medical check also. Let's see. Everybody is filling the form. We have to fill two forms. Okay. So they have given this form to be filled, and they will see our passport. So we are going for immigration now. We'll check all the documents over there.
और फिर देखते हैं क्या होता है। तो बेंगलोर फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। अभी से कोई फ्लाइट नहीं जाएगी, सारे फ्लाइट्स बंद हो गए। एक हमारी लास्ट फ्लाइट अराइवल वाली थी, तो अभी देखते हैं क्या है इमिग्रेशन का ये चक्कर। सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं, दूर ही रहना थोड़ा। सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं, सब लोग फॉर्म भर रहे हैं। अफरा तफड़ी का माहौल नहीं है, सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं। सभी लोग फॉर्म भर रहे Two forms. एक पर्सन का दो फॉर्म होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। सर कट डाउन द वीडियो प्लीज। ओके, अभी हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे। सिंस वी आर कमिंग फ्रॉम जर्मनी, तो हमारा एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। अभी जो मेन टेस्ट था वो सर पे जो एक टॉर्च मारते हैं कोई भी रेज वेज, वो हो गया। इसके बाद दो फॉर्म फिल करवाए हैं, उसको हमारा नाम लिख करके रखे हैं। देन दे विल डू सम स्क्रीनिंग टेस्ट पीपल हु हैव कम फ्रॉम जर्मनी, सो लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग। अभी जो जो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और कोरिया और ऐसे आए हुए हैं, सबको यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया था। इस फॉर्म में क्वारंटाइन लिख करके दिए हैं। एंड दे विल टेक अस टू सम आकाश मेडिकल कॉलेज नियर देवनहली, तो वहाँ पे हमारा स्क्रीनिंग होगा। देन दे विल टेल अस व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। डिवाइस फॉर चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विच इज़ नाउ been used for detecting the initial stage of they are having symptom, correct. That's it. Afterwards if it aggravates, then we will treat. Okay, if it is okay then it's okay, we will quarantine for some days. Okay, thank you. Bhi hamara ye form jama ho gaya hai, ye form hone ke baad hamara immigration complete ho gaya hai, but what they are doing, they will take us for a checkup. तो वो चेकअप होने के बाद हम लोग को बताएंगे कि व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक। देर इज़ नथिंग टू बी पैनिक, दे आर टेकिंग प्रिकॉशनरी प्रोस्पेक्टिव एक्शन सो दैट दिस डिजीज़ कैन नॉट बी स्प्रेड, एंड दैट इज़ वेरी गुड। एटलीस्ट इन द बैंगलोर एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड द बैंगलोर गवर्नमेंट इज़ डूइंग सच टाइप ऑफ जॉब। सो टेकिंग अस टू द देवनहली हॉस्पिटल ऑन दिस BMTC बस। देखो सर, हम लोग BMTC बस में जा रहे हैं हम लोग स्क्रीनिंग करवाने के लिए कोरोना वायरस का। लगेज देखो इसमें कैसा भरा हुआ है। This is the quarantine facility of Bangalore. We all are here. Medical screening will be done over here, I guess.
nice facility this in Bangalore they have set up. So and doctors are properly checking up. See how it's very nice to have such type of facility. So doctor has done the screening. He has asked me all the questions like what was my past travel history and is anybody in my contact was affected, I mean found positive with coronavirus. So all these questions it was asked and finally he suggested me to be self-quarantined for 2 weeks. And during that process I have to maintain all the hygiene and persons who are coming in contact with me should wear the mask, even I should wear the mask. And if I feel anything like any breathing problem, I should contact the emergency contact number and visit the nearest doctor. So this was the nice feedback given by the doctor. So the facilities are for everybody, they are screening. And now it's time to leave. I will show this document, this prescription, and I will leave for the day from this place. Here I will quarantine myself for 14 days. So this is my luggage. Let me go inside first. I have to open all these things. सब इंतजाम हो गया है, बाथरूम वाथरूम भी है, कोई दिक्कत नहीं है. मेरा बेड चलो ठीक है. गुड मॉर्निंग, दिस इज माई द सेकेंड डे ऑफ क्वारंटाइन पीरियड. सो माई आईज आर गुड, नो रेड, नो फीवर, no cough, no sore throats. I am going good. Let's check. It is day 2.